इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, बड़ा फैसला मायावती ने लिया, लेकिन ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये नौबत क्यों आई, देखिए हमारी रिपोर्ट। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म यू कैन आस्क फॉर अ डिस्कशन, व्हाट डू मोर यू वांट, हाउस में रहने का अधिकार नहीं है ना कि मैं हाउस का स्पीकर नहीं हूं। और गुस्से से तमतमाई मायावती इस्तीफे की धमकी देकर सदन छोड़कर चली जाती हैं। मायावती का ये तेवर और ये गुस्सा शायद ही आपने देखा हो। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म यू कैन आस्क फॉर अ डिस्कशन, व्हाट डू मोर यू वांट, हाउस में रहने का अधिकार नहीं है ना कि मैं हाउस का स्पीकर नहीं हूं। मायावती सदन से नाराज होकर जाने लगती हैं, तो बगल की बेंच पर बैठे दिग्विजय सिंह उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से से लाल मायावती अपना बैग उठाते हुए बाहर निकल जाती है और सदन के बाहर बीजेपी सरकार पर बरस पड़ती है। सरकार बनने के चंद दिनों के बाद ही, कुछ समय के बाद ही, तो वहाँ दलितों के ऊपर, सहारनपुर जिले के सबीरपुर गांव में, तो वहाँ दलितों के ऊपर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया। दलितों के उत्पीड़न को लेकर जब मैं बोलने के लिए खड़ी हुई तो सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए, सारे सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए और मुझे अपनी बात नहीं रखने दी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मायावती का आरोप है कि बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और उनकी आवाज दबाई जा रही है। विपक्षी नेताओं ने भी मायावती के सुर में सुर मिलाए। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोल नहीं सकती है, एक दलित महिला बोल नहीं सकते हैं, दलितों के बारे में हम बात उठा नहीं सकते हैं, तो इशारा तो देश में पहुंच गए, दलित विद्रोही ये सरकार। जबकि बीजेपी ने उल्टा मायावती पर ही पलटवार कर दिया। उनकी हालत ये हो गई, अभी तो राज्यसभा से इस्तीफा का ऐलान किया है, आने वाले दिनों में उनको राजनीति से भी संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की वो राजनीति करती है, अब भारतीय राजनीति की प्रकृति बदल गई है, या तो उनको अपनी प्रकृति बदलनी पड़ेगी या राजनीति छोड़नी पड़ेगी। और आपको बता दें, ये जो पूरा मामला हुआ है, ये जो पूरा बखेड़ा हुआ है, इस पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा है कि मायावती भारतीय राजनीति से अंतर्ध्यान हो चुकी हैं। उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने ही सुना नहीं है, उनको लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली है, इसलिए भारत की राजनीति से अब वो अंतर्ध्यान हो गई हैं। तो उनके इस्तीफे से भारत की राजनीति के घटनाक्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने सुना उमा भारती को, वो कह रहे हैं कि भारतीय राजनीति से मायावती अंतर्ध्यान हो गई हैं, उनके इस्तीफे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, जो मायावती हैं वो अपनी छवि चमकाने के लिए ये कर रही हैं, या फिर सवाल एबीपी न्यूज के कई हैं कि क्या छवि चमकाने के लिए मायावती ये दाव चल रही हैं, खुद को हाशिए पर महसूस कर रही हैं क्या मायावती? कारणों का जिक्र इस्तीफे की चिट्ठी में क्यों किया? 3 पन्ने की लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है मायावती ने, तो ये सवाल नंबर 2 एबीपी न्यूज का, मायावती के मानसून धमाके पर, उनके इस्तीफे पर, कि आखिर 3 पन्नों की चिट्ठी लिखकर कारणों का जिक्र करके इस्तीफा क्यों दे रही हैं? क्या सहानुभूति का माहौल बना रही हैं और विपक्षी दलों से सहयोग चाहती हैं? क्योंकि अपने दम पर अब मायावती में वो ताकत नहीं, उनकी पार्टी में वो ताकत नहीं कि वो फिर से राज्यसभा पहुंच सके। तो ये बड़ी बात है। और आपको हम ये भी बता दें कि मायावती राज्यसभा यानी उच्च सदन की सदस्य थी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।